आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। यदुवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल दे रहा है मुफ्त पढ़ाई करने का मौका। पूर्व विधायक नागल चौधरी द्वारा यदुवंशी नामक जो पौधा 1995 में लगाया था, आज वो हरा भरा वट वृक्ष बनकर पूरे देश को छाया दे रहा है। चेयरमैन साहब द्वारा 13 मार्च को यदुवंशी ग्रुप के संस्थान महेंद्रगढ़, सतनाली, नारनौल, रेवाड़ी, हांसी और गुरुग्राम के सेक्टर 82 में स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेधावी छात्र 100% तक ट्यूशन फीस में छूट पा सकते हैं और यदुवंशी स्कूल में फ्री पढ़ सकते हैं। सुने क्या कहा चेयरमैन साहब ने। 13 तारीख का जिस प्रकार से हमने स्कॉलरशिप, चेयरमैन स्कॉलरशिप रखी जी, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। 1995 में हमने यदुवंशी नाम का पौधा लगाया और उसके लगाने के बाद में इस इलाके से जो गरीब बच्चे थे, जिनको खर्च की वजह से नहीं पढ़ पाते थे, और जो अच्छे बच्चे थे, उनकी हमने आज से नहीं, आज से 25-26 साल पहले भी इसी प्रकार की स्कॉलरशिप, चाहे चेयरमैन स्कॉलरशिप हो और चाहे चावड़ा स्कॉलरशिप हो, चाहे अम्बेडकर स्कॉलरशिप हो, हमने ऐसी स्कीमें कई बार रखी और उसका पूरे इलाके को फायदा भी मिला और हमारे को भी उसका फायदा मिला, क्योंकि उससे अच्छे बच्चे निखर करके हमारे बीच में आए और उनकी वजह से आज जो महेंद्रगढ़ का नाम लिया जाता है पूरे देश में, एजुकेशन में सबसे नंबर वन पर आज नाम लिया जाता है, हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश में भी दूसरे तीसरे नंबर पर है। तो उसकी वजह यही रही कि हमने अच्छे बच्चों को त्रास करके, और अब 2-3 साल से जिस प्रकार का कोरोना काल था उसकी वजह से हम स्कॉलरशिप नहीं रख पाए थे, नहीं अच्छी तरह से स्कूल लग पाए थे, उसको लेकर के अब की बार हमने 13 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट रखने का काम आपके महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, सतनाली में, रेवाड़ी में, गुड़गांव में, हांसी में, ये हमने कई जगह टेस्ट रखे। और उसके बाद में दूसरे फेज में हमने इसी प्रकार से 20 तारीख को भी रखे हैं, उनमें आपका नांगड़ चौधरी थनवास रहेगा, दूसरा आपका कोसड़ी रहेगा, तीसरा आपका भिवानी में दादरी रहेगा, भिवानी रहेगा ढाणीमाऊ, और चौथा कोसड़ी रहेगा। और इसी प्रकार से जो बचे हुए स्कूल हमारे गुड़गांव में 33 में और 92 में, उनका भी 20 तारीख को टेस्ट रहेगा। और वो टेस्ट लेने के बाद में उनमें अच्छे बच्चे निखार करके उन बच्चों को मतलब सारी फीस भी, पूरी फीस भी माफ कर सकते हैं। और जैसा बच्चा होगा, चाहे कोई 50% का, 60% का, 80% का, उन बच्चों की हम ट्यूशन फीस में पूरी छूट दे करके और उन बच्चों को निखारने का काम करेंगे। ये हमारी सोच।